आज हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, हिस्ट्री में, मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश जैसे बहुत ही बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कई पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग स्टार्टअप में ये सिर्फ सीखने की कोशिश करेंगे कि मुगल वंश में कौन कौन से शासक होते थे और उनके उत्तराधिकारी कौन कौन से हुए, उनके बारे में कुछ ज्यादा डीपली में अभी नहीं जाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ अभी ये से जानने की कोशिश करेंगे कि मुगल वंश कब से स्टार्ट हुआ और उनके उत्तराधिकारी कौन कौन से आए, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन ये पूछ जाता है, क्रम से लगाएं कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो ये सब क्रम से। दूसरा पॉइंट आता है कि मुगल वंश कब स्टार्ट हुआ। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो मुगल वंश 1526 से लेके 1857 तक का रहा। तो एक अपने आप में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाता है कि मुगल वंश कब से कब तक चला। तो मुगल वंश 1526 से स्टार्ट हुआ, 1857 तक चला। दूसरा पॉइंट आता है कि मुगल वंश को अगर लेके चले तो मुगल वंश में देखा जाए तो ये जो तैमूर है, तैमूर वंश से एक हिसाब से कह सकते हैं। तो ये जो तैमूर है, तैमूर के अगर हम बात करें तो इनमें पांचवे वंशज, कैवे वंशज, पांचवे, यानी तैमूर का जो पांचवा वंशज था, तो तैमूर का जो पांचवा वंशज था वो रहा बाबर का। क्या नाम था? बाबर। एक्चुअली बाबर नाम नहीं था इनका, तो बाबर इनका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ये लोग क्या होते थे, तो अगर इसके बात करें तो इनके वंशज दो तरीके से थे, बिलोंग करते थे। तो ये अगर बात करें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो ये पितृ पक्ष की तरफ से तैमूर वंश से और मातृ पक्ष की तरफ से चंगेज खान से बिलोंग करते थे। तो आपने देखा कि बाबर के बारे में, तो यानी कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में, तो ये पितृ के पक्ष से कहां से थे, तैमूर वंश के थे, और माता के पक्ष से अगर देखा जाए तो चंगेज खां की तरफ से थे। तैमूर के पांचवे वंशज बाबर, यानी कि अगर बात करें मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो मुगल वंश की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की। और मुगल वंश की स्थापना करने के बाद इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया, बाबर। क्या रख दिया? बाबर। तो एक हिसाब से पूछा जाए मुगल वंश की स्थापना किसने की, बाबर ने की। डेट वाइज सारी चीजें ए टू जेड इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कई पार्ट करके वीडियो में। अभी सिर्फ हम ये सीखेंगे कि मुगल वंश के उत्तराधिकारी कौन थे और उनके शासक कौन कौन थे। तो जैसा कि आपको पता चल गया, मुगल वंश की स्थापना हो गई जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की, और इसकी स्थापना करने के बाद उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, बाबर। और अब कब से कब तक था, 1526 से 1857 तक, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो शासक था, यानी बाबर का जो पुत्र हुआ, तो बाबर का जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था, हुमायूं। तो बाबर का जो पुत्र था उसका नाम क्या है, हुमायूं। और हुमायूं का जो पुत्र था उसका नाम था अकबर। अब इनका भी नाम अगर देखा था तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्या नाम था इनका, नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसके बाद अकबर का जो पुत्र आया वो क्या हुआ, जहांगीर। तो ये सब शासक हुए मुगल वंश के, ये सब शासक हुए, बाबर, उनका लड़का हुमायूं, फिर अकबर, उनका पुत्र, फिर उनका पुत्र जहांगीर। अब जहांगीर का असली नाम देखा जाए तो सलीम था। क्या नाम था? सलीम। जैसा कि आपको पता है, अभी सिर्फ हम उनके उत्तराधिकारी और उनके शासक ये सिर्फ पढ़ रहे हैं। अब देखिए, तो जहांगीर आपने देख लिया, अब जहांगीर जिसे सलीम बोलते, उनके दो पुत्र के हिसाब से कौन कौन, खुसरो मिर्जा और शाहजहां खुर्रम। तो एक हिसाब से देखा जाए कि एक हिसाब से आपने क्या देखा कि इनमें जो जहांगीर के पुत्र आए वो खुसरो मिर्जा और शाहजहां खुर्रम। तो अब उसके बाद आपको पता है खुसरो मिर्जा, इससे फिर आए एक लोग कौन, दावर बख्श। लेकिन आपको सिर्फ उनके शासक के नाम में बता रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा कि शाहजहां, जहांगीर के बाद कौन बने, शाहजहां, यानी जहांगीर के जो पुत्र थे शाहजहां खुर्रम, उनको क्या बना, अगला शासक बने। उसके बाद शाहजहां के चार पुत्र, शाहजहां के कितने पुत्र थे, चार पुत्र। तो आप देखिए चार पुत्र में, अभी आप जब पढ़ाई करेंगे इसके बारे में डीपली में, तो आप देखेंगे ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो शाहजहां के कितने पुत्र थे, चार पुत्र। तो एक हिसाब से पहला देखा जाए औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, दारा शिकोह। तो आपने देखा कि शाहजहां के कितने पुत्र हैं, शाहजहां के चार पुत्र, एक कौन, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, दारा शिकोह। आप देखिए, तो जैसा कि आपने पढ़ा हुमायूं के बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, अकबर के बारे में भी काफी क्वेश्चन पूछे आते हैं, जहांगीर के बारे में काफी क्वेश्चन पूछा गया होगा, शाहजहां के बारे में कई बार पूछा गया है, आपने देखा ये ताजमहल वगैरह का। लेकिन यहाँ पे औरंगजेब बनता है पांचवा, यानी छठा शासक, मुगल वंश का छठा शासक औरंगजेब बनता है।
और औरंगजेब अगर नाम से देखे तो नाम क्या है, औरंगजेब। और ये ऐसा पर्सन है, एक हिसाब से ट्रिकी के तौर पे बात करें तो, यानी कि ऐसा पर्सन जो लंबे समय तक शासन किया। तो अगर देखा जाए कौन लंबे समय तक शासन करता है, लंबे समय तक शासन वही कर सकता है जिसकी जेब बहुत बड़ी हो, यानी जिसके जेब में क्या हो, धन हो, रुपया हो, पैसा हो। तो जिसकी जेब बड़ी उसे क्या कहते हैं, औरंगजेब। ये ट्रिक है एक हिसाब से कि सबसे लंबा शासन अगर देखा जाए तो औरंगजेब ही था, उसने काफी लंबा शासन किया था। और इसकी एक खासियत थी, ये अपने पूरे शासन में क्या किया था, जो भी मदिरा वगैरह होता था उसको होठों से रख नहीं लगाया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कौन सा शासक था जिसने मदिरा वगैरह को अपने होठों से नहीं लगाया, यानी मदिरा वगैरह का पान सेवन पान नहीं किया, तो औरंगजेब था वो। तो यानी छठा शासक कौन बन गया, औरंगजेब। अब उसके बाद औरंगजेब के बारे में बात करें तो उसके भी कितने पुत्र थे, चार पुत्र के हिसाब से। कौन कौन, आजम शाह, औरंगजेब के चार पुत्र आजम शाह। आजम शाह के बाद कौन आया, बहादुर शाह, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कामबख्श। लेकिन उसमें जो सातवां शासक बना, वो सातवां शासक बना बहादुर शाह प्रथम। तो मुगल वंश का कौन शासक बना, बहादुर शाह प्रथम। और मोहम्मद अकबर का अगर बच्चा देखे, बड़पुत्र देखे तो नेकुशियर, और मोहम्मद कामबख्श के देखे तो मुही उल मिल्लत शाहजहां थर्ड। लेकिन हमें क्या करना है, शासक को देखना है। तो मैंने बताया सातवां बहादुर शाह फर्स्ट, तो फिर से देख लीजिए, बाबर स्थापना किए, हुमायूं उनके पुत्र हैं, अकबर हुमायूं के पुत्र हैं, जहांगीर अकबर के पुत्र हैं, जहांगीर के दो पुत्र खुसरो मिर्जा, शाहजहां, शाहजहां शासक बनते हैं। शाहजहां के चार पुत्र औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, दारा शिकोह, औरंगजेब क्या होते हैं, शासक बनते हैं। उसके बाद इनके भी चार पुत्र के हिसाब से आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद कामबख्श, तो हमें शासक से मतलब है, तो सातवां बहादुर शाह प्रथम शासक बनते हैं। बहादुर शाह प्रथम के भी कितने बच्चे अगर देखा जाए तो चार पुत्र, एक अजीमुस शान, रफीउस शान, जहादार शान, खुजिस्ता अख्तर। तो आपको पता है हमें शासक से मतलब रखना, तो जहादार शाह क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है किसके पुत्र थे, तो आप बता सकते हैं इस हिसाब से। उसके बाद आप अगर आते हैं तो इसी में अजीमुस शान का एक पुत्र होता है, अजीमुस शान का पुत्र फरूखसियर। फरूखसियर में अगर जाए, फरूखसियर में तो अगला यानी नौवां आठवें के बाद नौवां शासक क्या होता है, फरूखसियर वंश का होता है, फरूखसियर होता है जो अजीमुस शान के वंश का है, समझ लीजिए। अब इसके बाद अगर बात करें तो रफीउस शान, रफीउस शान के अगर वंशज को देखे, यानी उनके पुत्र को देखे, तो उनके चार पुत्र आए। कौन कौन से आए, शाहजहां द्वितीय, रफीउद दरजात और मोहम्मद इब्राहिम। तो जो अब नौवें फरूखसियर के बाद जो अगला शासक बनता है वो रफीउस शान के खानदान का होता है, यानी उसका पुत्र अगर साथ मिलेगा वंशज का, तो उसमें जो उसके खानदान का रहेगा तो वो कौन होता है, दसवां शासक रफीउद दरजात, शाहजहां द्वितीय ग्यारहवां शासक बनता है। इस प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे तो जहांदार शाह, तो जहांदार शाह का फिर खानदान आता है, जहांदार शाह के खानदान के बाद, यानी कि तेरहवां जी के बाद चौदहवां, यानी कि आपने देखा खुजिस्ता अख्तर बारहवां शासक बनते हैं, यानी बारहवां शासक कौन था, मोहम्मद शाह। और फिर मोहम्मद शाह का पुत्र कौन है, अहमद शाह बहादुर बेदार बख्त। तो तेरहवां शासक कौन बने, अहमद शाह बहादुर बेदार बख्त। और चौदहवां जहांदार शाह खानदान का, अब सब देखिए इन्हीं के पुत्र हैं, तो बहादुर शाह प्रथम के जितने भी पुत्र हैं उन्हीं के पुत्र के कभी इनके कभी उनके कभी उनके ऐसे करके शासक बन रहे। अगला आता है जहांदार शाह, जहांदार शाह खानदान के जो चौदहवां शासक होते हैं आलमगीर द्वितीय। याद रखिएगा औरंगजेब के बाद से धीरे धीरे मुगल वंश क्या करने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है, ठीक है। आलमगीर सेकेंड ये बनते रोशन अख्तर, जिसे बोलते चौदहवें शासक थे, पंद्रहवें शासक, उन्हीं के नीचे आए गए, तो बनेंगे कौन, शाह आलम द्वितीय। सोलहवें में अगर देखा जाए तो अकबर, यानी कि अकबर शाह द्वितीय, यानी कि अकबर शाह द्वितीय, जिसे मिर्जा अकबर भी कह सकते। उसके बाद सत्रहवें शासक बनते हैं, यानी आखिरी शासक, मुगल वंश का अंतिम शासक। देखिए प्रथम और अंतिम पे ध्यान रखना होगा आपको, तो बहादुर शाह जफर, जिनका निधन कहाँ हुआ था, रंगून में हुआ था। तो एक हिसाब से आपने देखा कि सर कई बार देखिए यहां तक के औरंगजेब तक क्या था, मुगल वंश बहुत ही क्या था, एक बहुत ही ताकतवर था। मुगल वंश धीरे धीरे क्या पड़ने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है, किसके बाद से, औरंगजेब के बाद से। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अच्छे शासक ना रह गए हो, दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है उन्होंने किस पे ना ध्यान दिया हो, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया होगा, सारे सिस्टम कर दिया होगा, उन्होंने
उस पे उत्पादन पर ज्यादा ध्यान ना देकर उस पे टैक्स पे ध्यान दे दिया था। तो धीरे धीरे मुगल वंश क्या करने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है, और 1558-1557 आते आते मुगल वंश एकदम से क्या हो जाता है, समाप्त ही हो जाता है एक हिसाब से। अब उसके बाद इसमें तो आपको मैंने अभी यहां पर सिर्फ उनके उत्तराधिकारी और शासक, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, तो तैमूर के पांचवे वंश जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर होते हैं, मुगल वंश की स्थापना करते हैं, उसके बाद इनका नाम बाबर हो जाता है। बाबर का जो पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद फरूख सियर, फरूख सियर के बाद रफीउद्दरजात, रफीउद्दरजात के बाद शाहजहां द्वितीय, उसके बाद अगर देखा जाए तो मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह बहादुर, उसके बाद अगर चौदहवा देखें आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड के बाद शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो यानी प्रथम, यानी अगर बात करें मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो बाबर ने की। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह जफर था। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ थोड़ा बहुत दे दे रहा हूँ, क्योंकि एक आध नंबर का क्वेश्चन हाँ ही आता है वनडे एग्जाम में, कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है मकबरा से, एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि बताइए कि बाबर का मकबरा कहाँ बना है। तो बाबर का मकबरा कहाँ बना है, आगरा, यानी कि काबुल, आगरा काबुल। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में, आगरा में। दूसरा पॉइंट आता है हुमायूं का मकबरा कहाँ बना है, तो दिल्ली में, कहाँ बना है, दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट आता है अकबर, अकबर का मकबरा कहाँ, सिकंदराबाद, सिकंदरा में, यानी आगरा में, सिकंदरा जगह पर थी वहां पे। जहांगीर का मकबरा कहाँ बना है, लाहौर, यानी शाहदरा में। शाहजहां का मकबरा कहाँ बना है, आगरा में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ, औरंगाबाद, यानी दौलताबाद में। क्योंकि और अभी याद करने की ट्रिक अगर ध्यान दिया जाए तो औरंगजेब नाम से ही लगता है जिसकी जेब बड़ी हो, ट्रिक बात कर रहे हैं, फर्जी की बातें हिसाब से भी कह सकते हो, ट्रिक एक फर्जी की चीजें होती जिससे हमें आसानी से याद कर लेते हैं। औरंगजेब मतलब जिसका जेब बड़ा हो, अब जिसका जेब बड़ा होगा तो उसके जेब में दौलत भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो औरंगजेब का औरंगाबाद यानी दौलताबाद। शाहजहां, तो शाहजहां के बारे में सबको पता होगा, ताजमहल के बारे में आपने जानते ही होंगे, शाहजहां ने ताजमहल का अगर देखा जाए तो शाहजहां का संबंध ताजमहल से है, इस वजह से ताजमहल कहां, आगरा में, तो शाहजहां आगरा में, जहांगीर लाहौर में, ठीक, अकबर सिकंदराबाद में, तो इसके सिकंदरा में, आगरा में है, तो आप कह सकते हैं अकबर भी सिकंदर की तरह महान शासक था। हुमायूं दिल्ली में, बाबर आगरा में काबुल, ठीक है। उसके बाद बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने लिख लिया यहाँ पे, कि बाबर से संबंधित कुछ युद्ध के बारे में बात करें तो प्रमुख युद्ध क्या क्या थे, तो जो सीनियर भाई जाते हैं, तो पानीपत का युद्ध है 1526 ईस्वी में लड़ा गया, इब्राहिम लोदी विपक्ष में थे उनके, अंत में क्या होती उनकी हार, इन सारे युद्धों में याद करें तो बाबर की जीत होती है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ और इब्राहिम लोदी को उन्होंने पराजित किया। खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा कब, 1527 में, सीरियल वाइज है, राणा सांगा को पराजित किया। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 28 में, मेदनी राय को इन्होंने पराजित किया। घाघरा का युद्ध कब हुआ, 1529 में, मोहम्मद लोदी को उन्होंने पराजित किया। तो एक हिसाब से देखा जाए बाबर ने जो युद्ध लड़े थे वो कौन कौन थे, पानीपत का, खानवा का, उसके बाद चंदेरी का, घाघरा का। तो यानी ये सीरियल वाइज अगर लड़ा जाए, देखा जाए एक हिसाब से, तो कैसे कहेंगे, तो आपको पता है जब भी कोई मेहमान आपके घर आता है तो सबसे पहले उसे क्या देते हैं, पानी पिलाते हैं, पानी देते हैं, पानी देते हैं, उसके बाद वो खाना खाता है, फिर वो जब जाता है तो कुछ चंदे वंदे यानी कि कुछ पैसे दे के जाता है लोगों को, तो चंदा बोल सकते हैं, और फिर उसके बाद अपने वो घर चला जाता है। यानी मेहमान जब आता है तो पानी पीता है, खाना खाता है, चंदा दे देता है यानी पैसे से देता है जब आज जाते समय, उसके बाद अपने वो घर को चला जाता है। तो पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध 1526 में, खाना खाया खानवा का युद्ध यानी कि 1527 में, चंदा दिया यानी चंदेरी का युद्ध 1528 में, घर को गया 1529 में। तो आप एक हिसाब से कह सकते हो मेहमान आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया। तो ये बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध है, मेहमान आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया। तो पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना खानवा का युद्ध, फिर उसको चंदा चंदेरी का युद्ध, फिर घर यानी ग्रह कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो आपने देखा 1526, 1527, 1528, 1529। उसके बाद कुछ और बात करें तो बाबर अगर एक हिसाब से कलंदर, तो पूछा था कलंदर किसको कहा जाता था, तो बाबर के स्वभाव की वजह से उनके क्या था, उनके करुणा जो भी उनके अंदर की स्वभाव था, उनका नेचर था, उसकी वजह से उनको क्या कहा गया, कलंदर। क्या कहा गया, कलंदर कहा गया। ऐसा कौन सा शासक था जो ज्योतिष में विश्वास करता था,
तो ज्योतिष में विश्वास करने वाला मुगल शासक था हुमायूं। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। उसके बाद आया जाए क्वेश्चन के, प्रथम स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला शासक मुगल वंश कौन था, तो वो था हुमायूं। तो आपने देखा, बाकी हम लोग इसको डीपली में जब पढ़ेंगे तो पहले एक एक करके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इसको एक एक वीडियो में पार्ट वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि इनके काम बड़े इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, बाबर ने क्या क्या काम किया, हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े, हुमायूं क्या था, रोल था अकबर के। आपको पता फेमस अकबर के नवरत्न कई बार आते हैं इंपॉर्टेंट पेपर में, अकबर के कितने काम किए थे अकबर ने, अकबर ने कौन कौन युद्ध में विजय प्राप्त की थी, ऐसे जहांगीर, ऐसे औरंगजेब। तो कम से कम औरंगजेब तक का हमें एक एक चीजें क्या करनी होंगी, पढ़नी होंगी। तो जिसको हम अलग अलग वीडियोज में पढ़ेंगे, आने वाले वीडियोज में हम लोग बाबर या हुमायूं की चर्चा करेंगे। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हमने सिर्फ अभी इसमें सिर्फ ये चीज बताई है कि कौन कौन शासक किसके बाद आए थे, तो वो मैंने आपको बता दिया कुल कितने एक हिसाब से शासक हैं, 17 शासक हैं। कितने 17 हैं। कौन किसका पुत्र है आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसके कितने पुत्र हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने मुगल वंश के हिसाब से क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर के तौर पर हमने आपको बता दिया कि मुगल वंश में कौन कौन नेम आएंगे और कब कब आएंगे, किसके बाद आएंगे, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग आने वाले वीडियो में बाबर के बारे में पढ़ने की बात करेंगे और हुमायूं के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।